एनएसयूआई के पदाधिकारी जिला उपाध्यक्ष रवि सुमित सिंह, टीआरएस कॉलेज इकाई के अध्यक्ष पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में रिवर्स शहर के मुख्य मार्गों में दुकानदारों एवं राहगीरों से हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगी गई। आपको बता दें, हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगी, भीख मांगने के बाद जो राशि 485 रुपये प्राप्त हुई उसको रेडक्रॉस सोसाइटी के माध्यम से शासकीय खजाने में जमा करा दिया गया और कहा कि प्रदेश की शिवराज सरकार को और पैसा अगर चाहिए तो हम युवा बेरोजगार भीख मांग कर पैसे देंगे, परंतु हम पढ़े लिखे युवा बेरोजगारों को ना चलें। इस दौरान संगठन के जिला उपाध्यक्ष रवि सुमित सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री ने प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, जो कि युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए। केंद्र की मोदी सरकार ने पहले ही कह दिया है कि युवा अब पकौड़ा तले, उनके पास नौकरी नहीं है, लेकिन अब तेल, रसोई गैस के सिलेंडर, वाहन, खाद्य सामग्री इतनी महंगी कर दी गई है कि वह काम भी गरीब बेरोजगार युवा नहीं कर सकता। साथ ही प्रदेश की शिवराज मामा की सरकार ने पढ़ाई लिखाई करने के बाद हमें मजबूर कर दिया कि हम भीख मांगे, क्योंकि मामा की सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में असमर्थ रही है। रोजगार के नाम पर वैकेंसी निकालकर उनकी भारी भरकम फीस गरीब युवा बेरोजगारों से जमा करवाती है, उसके बाद या तो उसका परिणाम घोषित नहीं करती या फिर वैकेंसी कैंसिल कर दी जाती है, ना तो नियुक्तियाँ दी जाती हैं। शिवराज सरकार सिर्फ युवाओं के साथ छलावा कर रही है। किन मांगों को लेकर आप लोग आज? आज हम लोग पढ़े लिखे छात्र युवा हाथ में कटोरा लेके शिवराज सरकार को जगाना चाह रहे हैं कि जिस तरह हम बेरोजगारों को छला जा रहा है कि मामा तेरे राज में कटोरा दे दिया हाथ में। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि युवा बेरोजगार पकौड़े बेचें, जो कि अब हम पकौड़े बेचने लायक भी नहीं बचे हैं। नए वर्ष में ही कमर्शियल सिलेंडर के 75 रुपये 25 रुपये दाम बढ़ा दिए गए, बढ़ते हुए तेलों के दाम अब हमें पकौड़े बेचने लायक भी नहीं छोड़ा है और रोजगार तो हमें सरकार दे नहीं रही है, सिर्फ छलने का काम कर रही है। चाहे वो फॉर्म के नाम पर हम लोगों से फीस जमा करवा ली जाती है कि आप नियुक्तियाँ निकाले हैं, उसके बाद या तो एग्ज़ाम कैंसिल करवा दिया जाता है या फिर उसकी नियुक्ति नहीं की जाती है, तो अब हम लोगों के पास सिर्फ कटोरा लेके भीख मांगने के अलावा कुछ नहीं बचा हुआ है। तो हम मामा को दिखाना चाहते हैं कि आप देख लीजिए आपके राज्य में किस तरह के युवा पढ़े लिखे छात्र कटोरा लेके मार्केट में भीख मांग रहे हैं और व्यापारी भाई भी हम लोगों को सहयोग कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं किस तरह व्यापारी हम लोगों को भीख दे रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, पूरे रीवा में ही हम कहें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि रीवा में ही कोई बेरोजगार का साधन नहीं है, सिर्फ मॉल और फ्लाईओवर दिख रहे हैं, एक भी कोई ऐसा बेरोजगार का साधन नहीं है। एकमात्र है सोलर प्लांट, तो वहाँ के विधायक जी खुद ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से अपना दुखड़ा रो चुके हैं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को ही रोजगार नहीं दिया जा रहा है, तो हम लोग क्या उपेक्षा करें कि जब बीजेपी के खुद ही विधायक रो रहे हैं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के युवा बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया जा रहा, तो हमें रोजगार दिया जाएगा। अभी हम लोगों ने शुरुआत की है, 4-5 दुकानों में गए, सभी दुकानदारों ने हम लोगों को, ये देख लीजिए कि सब लोगों को भीख दी, अच्छा सहयोग दिया। रवि सुमित सिंह, जिला उपाध्यक्ष NSUI।